जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आई एम नॉट कीपिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम डाउन विथ वायरल फीवर, बट इट विल टेक अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई, खास 12th वालों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं कोशिश करके रोज़ एटलीस्ट एक वीडियो तो आप लोगों के लिए कम्प्लीट कर ही दे रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी तो माई अपोलोजीज़ फॉर दैट। और हम लोग कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, और ये हमारी डीके गोयल, जो स्कूल की हमारी आपकी कॉलेज की अकाउंटेंसी बुक है, उससे है। हम लोग सबसे पहले आइए इसमें, मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर देता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग रेशियो करके कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। सबके लिंक्स जो हैं, प्लेलिस्ट का पूरा पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में से भी जा करके उसको देख स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नाम से समझ में आ रहा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कौन सी दोनों चीज़ों के बीच का रिलेशन है? नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो फार्मूला बन गया। अब इसी हिसाब से आप सिंपल बना देंगे फार्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद रखिएगा दिस इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है तो उसी तरीके से ट्रेडिंग के एंड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, और उसमें से आप क्या लेस कर लेंगे, यहाँ पे यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यू विल ऐड अदर इनकम्स एंड यू विल सब्ट्रैक्ट टैक्स, क्योंकि आफ्टर मतलब टैक्स के डिडक्शन के बाद बोला गया है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको मालूम है क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टर्म बोरोइंग्स, एक्सीडेंटल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इजी है, इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो हमारा है उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, यहाँ नेट प्रॉफिट था, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, एंड इन 200 कर देंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। ठीक, और क्या ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी। ये थोड़ा आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स एंड ऑल दिस। ठीक, अच्छा, उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसीव प्लस डिस्काउंट रिसीव, ये सब आ जाता है। बाकी का थ्योरी पार्ट है, आप लोग एक बार उसको देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। अगर आपकी बुक में और मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर सेम नहीं है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि डीके गोयल मैं लेटेस्ट एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। आपकी अगर पुराना एडिशन है या आप CBSE बोर्ड से हो तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो रहा हो, लेकिन क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर मैच कराएंगे, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग करेंगे, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 90 है, पेज नंबर 14.143 पे। अब मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है सो दैट कन्वीनियंस है, और टाइम भी थोड़ा सेव हो जाता है इससे। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी आपको फॉर्मूला मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये भी डिस्कस करा हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आपका निकल करके आ जाता है, यहाँ पे 3 लाख निकल करके आ गया, 8,30,000 माइनस 30,000 माइनस 5,000, 5 लाख, 3 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप ऑपरेट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया, 58,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपका कैसे निकलेगा, जो आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या कर दीजिए उठा करके, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। तो मतलब आप माइनस करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी शो कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 लाख, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200 करेंगे तो 30.25% आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया आपका, सिंपल है।
अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला पे मालूम है आपको, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस अदर इनकम्स। ठीक है, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दी सारी वैल्यू, 3 लाख लेस 40,000 लेस 18 लाख माइनस 12 लाख माइनस 24 लाख 24,000, 18,000 24 12,000, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 लाख लेस 40,000 लेस 18,000 लेस 12,000 लेस 24,000 प्लस 10,000 विल गिव यू 2,16,000। बस जस्ट यू नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड यू विल गेट 27%। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है अभी, और आज मैं एक ही रखूँगा, एज आई टोल्ड यू आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो आज एक ही है, फिर आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके आगे वैसे अर्निंग पर शेयर हैं और ये सारी चीज़ें ISC में है नहीं, रिवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको ISC ने हटा दिया है इस साल के लिए, तो मैं देख लेता हूँ कि कल के वीडियो में और आने वाले वीडियो में आप लोगों को क्या कराना है, कैसे कराना है। तो कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।